ये नफरतें कहां से आ जाती हैं हमें? हमें तो नहीं है ना? सैफी घर टूट रहा है। सारा क्यों ऐसी बातें कर रही? मानिया माओ में क्लैशेस बहुत बढ़ गए। डोंट वरी सारा, मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूं। मामा में बहुत हौसला है, वो इस घर को कभी टूटने नहीं देंगी। लेकिन एक वक्त आता है हर किसी का हौसला खत्म हो जाता है। जब उनका हौसला खत्म हो जाएगा तो हम उनका हौसला बन जाएंगे। सैफ मेरा बस चले तो उनके लिए जान दे दूं। ये मोहब्बत मुझे मेरी माँ से नहीं मिली, ये मुझे मुमानी ने दी है। वो जानती है कि हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी बात से तो उनका हौसला कायम रहता है। एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश और उसका हौसला उसके शौहर की मोहब्बत होती है, जो मुमानी को कभी नहीं मिल सका। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ओके, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। मामा, आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा इख्तियार है। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मामा, आपकी शादी से इस घर पर मेरे मुकाम पे कोई कमी नहीं आएगी। मामा, आप मेरी बात तो सुने। ये तुम अच्छा नहीं कर रही मामा। क्या मतलब? मैं जो कह रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ रही हो। मैं कुछ नहीं समझ रही। इस घर और इस घर के लोगों में दरारें मत डालो महाम। दिस इज टू मच सारा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? बिना वजह तुम लोगों ने इतना बुरा क्यों समझा हुआ है मुझे? इसलिए तुम्हारी मामा की शादी से इस घर में तूफान उठ खड़ा होगा, ऐसा तूफान जिसमें सब कुछ बह जाएगा। वो मेरी मामा का जाती मामला है। नहीं, जो मामला इस घर से या जरी मुमानी से जुड़ा हुआ हो वो तुम्हारी माँ का जाती मामला नहीं हो सकता। मामा की शादी से जरी मुमानी अब इस घर को क्या नुकसान हो सकता है? तो फिर चली जाओ यहां से, जाती क्यों नहीं? मेरी जिंदगी को अपनी मौजूदगी के आसेब से रिहाई क्यों नहीं देती? सैफ, सैफ उठो, सैफ, सैफ। क्या हुआ है? सैफ, मुमानी कहीं चली गई। कहाँ चली गई? सैफ, वो भी गाड़ी पे कहीं गई है।
इस वक्त कहा था ना कुछ होने वाला है। अरे पागल कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ। नंबर तो ऑफ जा रहा हूँ। जरूर मामू ने कुछ कहा होगा, हो सकता है किसी जरूरी काम से गई हो। सैफ इस वक्त मैं कहां जाऊं सारा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ अगर वो वापस ना आई थी। क्यों वापस नहीं आएंगी, ये घर है उनका। जब अपने घर में जगह ना हो तो इंसान वहां कैसे रुक सकता है। तारा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सैफ मामू शादी कर रहे हैं। व्हाट, ये कैसे हो सकता है। हेलो जी, सरमत खान बोल रहा हूं। क्या, कहा जी? मैं अभी पहुंच। क्या हुआ पापा? सैफ, सैफ बेटा तुम्हारी मामा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। हमें हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। वलीद को बताओ, जल्दी करो। सारा भाई को बुलाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल से कॉल आई थी। एक्सीडेंट में एक जख्मी खातून यहाँ आई है। जी आला सीरियस है, होंगी, दुआ कीजिए। भाई रास्ते में गाड़ी का हशर देखा था ना? कहाँ जा रही थी मामा? ओ, मुझे नहीं पता बेटा कहाँ जा रही। मैं पूछती हूँ, इस वक्त उसको घर से बाहर जाने की जरूरत क्या थी, क्या मकसद था उसका? प्लीज अम्मी, इस वक्त आप दुआ करें, सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। हाँ सलमा, अल्लाह करे सब खैरियत हो। वलीद बता रहा था कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पूरी कार तबाह हो गई। मेरी बात हुई थी वलीद से, डॉक्टर्स बहुत वरीड है। अरे डॉक्टर्स की तो आदत होती है, पैसे बनाने के लिए बात का बतंगड़ बना लेते हैं। जरी मुमानी कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। अरे परेशान हो या ना हो, आधी रात को घर से बाहर जाने का क्या मतलब था, समझ नहीं आई मुझे। मैंने आज दिन में भी उन्हें रोता हुआ देखा था। उसे तो आदत है रोने की, आंसू बहाकर लोगों को अपना बना लेती है। बस कर दो सलमा, दुआ करो कि वो खैरियत से घर आ जाए। अम्मी आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरी बददुआओं की वजह से आज वो हॉस्पिटल में है। तौबा है सलमा, जो मुंह में आता है बोल देती हो। सारा कहाँ है? कमरे में, मैं देखती हूँ। अम्मी आप तो बैठ जाइए, हुजूर में परेशान होती रहती है। बैठ जाऊंगी भाई, इतनी परेशानी है समझ नहीं आ रहा क्या होगा। Yeah.
हौसला रखो सारा, सब ठीक हो जाएगा। शर्मीन साहब बता रहा था मानी की हालत ठीक नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कहाँ जा रही थी। ये तो नहीं जानती, मगर ये जरूर जानती हूँ क्यों क्यों जा रही थी। क्यों जा रही थी? काश ये बताने की जरूरत ही ना पड़े। जो दुख होता ना सहती रही, अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहती। सारा मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। डर तो इस घर के सारे लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि मुमानी के दम से ये घर चलना था, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। शर्मीन क्या उनका मामू से कोई झगड़ा हुआ है? काश हम उनकी मोहब्बतों का सिला दे पाते। शर्मीन उन्हें हमसे तो कोई शिकायत नहीं है ना सारा? उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है शर्मीन। और जो वक्त शिकायत आया तो इतनी बड़ी आजमाइश में जा पड़ी। हौसला करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त बेटा खैरियत? नहीं मामा, खैरियत नहीं। जरी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत बुरी है। क्या, कब? एक घंटा पहले। कहीं अकेली जा रही थी, लेकिन मामा कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? आंटी खुश नहीं थी। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखी है। अल्लाह सब खैर करे। हॉस्पिटल में कौन कौन है बेटा? अंकल वलीद और सैफ हॉस्पिटल में ही हैं, हमें जाने से मना किया है। बेटा मुझे अपडेट करती रहना प्लीज। जी मम्मा, आप बस दुआ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। अगर मामा को कुछ हुआ ना तो इसके कसूरवार सिर्फ पापा होंगे। तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे? नहीं भाई, मैंने जब भी मामा के हक में बोलना चाहा मुझे खामोश करवा दिया गया, लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये वक्त नहीं है इन बातों का सर। मुझे तो गुस्सा इस बात का कि मामा ने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों हमसे। कौन सी बात? सर, पेशेंट की हालत अब कैसी है? ब्लीडिंग रुक चुकी है, लेकिन लगता है कुछ अंदरूनी चोटें हैं। अभी एक्सरे वगैरह होंगे तो पोजीशन वाज़े होगी। इम्कान इस बात का भी है कि शायद वो कुछ अरसे के लिए कोमे में रहे। करेगा।
पागल मत बनो सारा, हॉस्पिटल से फोन होगा। हेलो, शर्मीन क्या हुआ? शर्मीन क्या हुआ? शर्मीन शर्मीन बताओ। सुनिए मम्मी, कोमा में चली गई। हाय देखो, ये रोने का वक्त नहीं है, दुआ करने का वक्त है। देखो कैसे रो रही है, संभालो उन्हें, समझाओ सर। या अल्लाह जरीन खैरियत से घर वापस आ जाए, उसे बचा लेनी है। परेशान मत हो, जरीन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो आंटी के चुप से भी डर लग रहा है। मैंने कितनी बार ऐसा महसूस किया है जैसे इन्हें कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जरीन बहुत हौसले वाली है, इंशाल्लाह वो इस इम्तिहान से भी गुजर जाएगी, इंशाल्लाह, और ठीक होकर घर आएगी। वली, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह देना। ओके बेटा, मैं चलती हूँ। घर एक जन्म।